नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन भारत। मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। लेसी सिंह जो हैं बिहार सरकार की खाद्य उपभोक्ता मामलों की मंत्री हैं और उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मंजीत सिंह जो 2000 में विधायक थे समता पार्टी से, उनके बारे में लिखा है कि मैं कल रात को मीडिया की इन खबरों से सन्न रह गई कि भाई मंजीत सिंह कैसे जो हैं वो लालू के साथ या लालू के RJD के साथ जा सकते हैं। उनके पिताजी, मेरे पति, मेरे पिताजी जो हैं सबने समता पार्टी बनाकर और लालू के उस राज्य को खत्म करने की जिम्मेवारी उठाई थी। सब जो हैं वो एक तरीके से फाउंडर मेंबर थे समता पार्टी की और मैं उसी क्षण निकल गई अपने क्षेत्र से, अपने गांव से भाई मंजीत सिंह से मिलने। वो लिख रही हैं अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे, कल मुझे मीडिया के माध्यम से खबर मिली कि हम लोग के साथ समता पार्टी काल के संघर्ष के साथी व वर्ष 2000 में समता पार्टी से एक साथ विधायक निर्वाचित होने वाले भाई मंजीत सिंह जी, माननीय पूर्व विधायक बैकुंठपुर गोपालगंज ने राजद में जाने का निर्णय लेकर आगामी 3 जुलाई को राजद में शामिल हो रहे हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। मैं बिना समय गंवाए गोपालगंज जिला के देवापुर उनके गाँव के लिए रवाना हुई और 3 बजे अहले सुबह देवापुर पहुंचकर उनसे मुलाकात की और उनसे बातचीत की। हम लोग जिस कुशासन से मुक्ति के लिए समता काल से संघर्ष किए और इस लड़ाई में कितने अपनों ने जान की कुर्बानी दी। मेरे पति स्वर्गीय मधुसूदन सिंह ने पूर्णिया में और भाई मंजीत जी के पूज्य पिता स्वर्गीय ब्रजकिशोर नारायण सिंह जी गोपालगंज में समता काल में माननीय नीतीश कुमार जी के संघर्ष में सारथी की भूमिका निभाकर राजद के कुशासन के खिलाफ जंग लड़े। आज उसी राजद की विरासत को कैसे मजबूत कर सकते हैं। और जब वो मिली हैं, बहन ने भाई को राखी की कसम शायद दिलाई, मनाया गुहार की भाई से, तब मंजीत सिंह शायद मान गए हैं। और अभी कुछ देर पहले जो उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लिखा है कि वो देवापुर से मंजीत सिंह को लेकर नीतीश कुमार से मिलने निकल चुकी हैं और जैसे अब वो पटना पहुंचती हैं, आगे क्या कुछ होता है, मंजीत सिंह क्या शर्त रखते हैं नीतीश कुमार के साथ, इस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। आप बने रहिए नेशन भारत के साथ। नेशन भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।